आज हम देखेंगे कि जीवन में माइनस 9 से 24 महीनों का क्या महत्व है। माँ जब पेट से रहती है, मतलब गर्भवती होती है, तब से बच्चा 2 साल का होने तक जो समय है उसे माइनस 9 से 24 महीने कहा जाता है। चलिए देखें कि इस समय में बच्चे का शरीर कितना जल्दी बढ़ता है और दिमाग का विकास कितना जल्दी होता है। हमारी ऊंचाई, हाइट, जीवन में 15 से 19 साल तक ज़रूर बढ़ती है, लेकिन उतनी तेज़ी से कभी नहीं बढ़ती जितनी गर्भ में या पहले 1-2 सालों में। हमारा वज़न भी बड़े होने तक बढ़ता रहता है, लेकिन जितनी तेज़ी से वज़न गर्भ में या पहले 1-2 सालों में बढ़ता है, उतनी तेज़ी से बाद में नहीं बढ़ता। और ये बढ़ता हुआ वज़न बच्चे को मोटा नहीं करता, उसकी ऊंचाई बढ़ती है, इसीलिए वज़न बढ़ता है। इसी तरह से दिमाग और बुद्धि भी बढ़ती है, तो उसके साथ साथ सिर का आकार या साइज, घेराव भी बढ़ता है। गर्भ में और पहले साल में जितनी जल्दी बच्चे का सर और दिमाग बढ़ता है, उतनी तेज़ी से बाद में कभी नहीं बढ़ता। इस सब का ये मतलब है कि गर्भ में और पहले 2 सालों में जितना एफर्ट, कष्ट डालना है डाल दो, जितना अच्छा पालन पोषण करना है कर लो, क्योंकि यही वक्त है जब शरीर और दिमाग की प्रोग्रामिंग हो रही है, यानी कि उम्र भर की कुंडली लिखी जा रही है। आगे चलकर लड़की या लड़के की ऊंचाई कितनी होगी, IQ यानी कि बुद्धि कितनी होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा या बार बार बीमार पड़ेगा, स्कूल में बच्चा अच्छे से पढ़ेगा या नहीं, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सब बातें गर्भ में और पहले 1-2 सालों में ही तय हो रही हैं। ये -9 से 24 महीने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखें कि ये समय निकल गया तो हम इसे वापस नहीं ला सकते। उम्र भर हमारे दिमाग का विकास होता रहता है, लेकिन दिमाग का जितना विकास गर्भ में होता है उतना बाद में कभी नहीं होता। कुदरत ने ही ऐसी व्यवस्था की है। बड़े होने तक बुद्धि का जितना विकास होता है उसका आधा भाग तो गर्भ में ही हो जाता है और 3/4 भाग तो पहले 2 सालों में ही हो जाता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतनी सारी चीज़ें तो 2 साल के बाद ही सीखते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, सारी लिखाई पढ़ाई तो 2 साल के बाद ही होती है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धि का विकास गर्भ में और पहले 2 सालों में हो जाता है। इतना छोटा बच्चा तो बोलता भी नहीं, कुछ समझता भी नहीं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि बाद में हम जो भी लिखाई पढ़ाई करते हैं, भाषाएं सीखते हैं, जितना भी ज्ञान और कला कुशलता सीखते हैं, उस सब की नींव यानी कि फाउंडेशन पहले ही 2 सालों में बनती है। पहले 2 सालों में दिमाग में सोचने समझने के रास्ते बनते हैं और बाद के सालों में अलग अलग गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। एक बार दिमाग के रास्ते बन जाए तो बाद में चाहे हम गाना सीखें, गणित सीखें, गाड़ी चलाना सीखें, लेकिन रास्ते तो पहले ही 1-2 सालों में बनते हैं। इसी तरह पहले 2 सालों में दिमाग के न्यूरॉन्स, मतलब सोचने के रास्ते, अगर कम बनेंगे तो बाद में उन पर विचारों का और सोचने का और करने का ट्रैफिक भी कम चलेगा। इस भाग में हम देखेंगे कि माँ गर्भवती होते ही क्या तैयारियां करें। पहली बात कि गर्भावस्था में माँ ने सिर्फ आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए, नहीं तो मंद बुद्धि का बच्चा पैदा हो सकता है, गर्भपात या अबॉर्शन हो सकता है। आयोडीन से दिमाग तेज होता है, बच्चा होशियार बनता है। दूसरा, गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में दोपहर को 2 घंटे आराम करना चाहिए। माँ ने मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, परिवार के लोगों ने माँ के खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। ये ना सोचें
कि ये पराई लड़की हमारे घर आई है। याद रहे कि इसी पराई लड़की के पेट से आपका अपना पोता जन्म लेगा और आपका वंश आगे बढ़ेगा। वो कम खाएगी तो उसका नुकसान आपकी ही अगली पीढ़ी को होने वाला है। सरकारी दवाखाने में माँ को जो लोहे की गोलियाँ दी जाती हैं, यानी कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी जाती हैं, वो भी ध्यान रखें कि माँ ले रही है कि नहीं। कई बार स्तन का निप्पल बाहर नहीं निकलता, अंदर को रहता है। इसे कहते हैं रिट्रैक्टेड निप्पल। लेकिन ये चिंता की बात नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद ये निप्पल अपने आप बाहर निकल जाता है। कई लोग गर्भावस्था में ही निप्पल को बाहर निकालने के लिए उसकी मालिश करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर निप्पल बाहर ना आए तो दवाखाने में सिस्टर या नर्स एक सिरिंज की मदद से उसे बाहर खींचकर ठीक कर देती हैं। स्तनपान से बच्चे को क्या फायदा है? माँ के दूध में एकदम संतुलित बैलेंस्ड पोषक तत्व यानी कि विटामिन्स वगैरह रहते हैं, इसीलिए माँ का दूध बच्चे को आसानी से हजम हो जाता है। ये दूध माँ के शरीर में रहता है, इसीलिए ठीक तापमान पे यानी कि टेम्परेचर पे रहता है। इसे ना तो उबालने की ज़रूरत है ना ठंडा करने की ज़रूरत है। बच्चे की बुद्धि का विकास करने के घटक भी माँ के दूध में रहते हैं। बच्चा होशियार बनता है, आगे जाकर उसे बीपी, हार्ट अटैक, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ वगैरह होने की संभावना भी कम रहती है। कई तरह के दमा या एलर्जी से भी बच्चा बचा रहता है। इसके अलावा माँ और बच्चे में एक प्यार की भावना पैदा होती है, एक बॉन्ड या ममता का बंधन तैयार होता है। स्तनपान से माँ को भी बहुत से फायदे हैं। ये गलत फहमी है कि बच्चे को दूध पिलाने से माँ का वजन बढ़ता है। बहुत सी औरतें अपने फिगर के लिए यानी कि पतला रहने के लिए स्तनपान करना 2-3 महीने के बाद ही छोड़ देती हैं, लेकिन वो ये नहीं समझती कि स्तनपान से तो माँ का बढ़ा हुआ वजन उल्टा कम होता है, क्योंकि माँ के शरीर से सारी कैलोरीज दूध के जरिए बच्चे में जाती हैं। बच्चा इस समय बड़ी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए दूध के जरिए माँ के शरीर से सारी एनर्जी, सारा खाना खींच लेता है। हाँ, इसके साथ माँ ने एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। स्तनपान का अगला फायदा ये है कि दिन रात बच्चे को दूध पिलाया तो फिर से गर्भधारणा यानी कि प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती। दो बच्चों में अंतर रहता है। स्तनपान से कई तरह के कर्क रोग यानी कि कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है, जैसे स्तन का या ओवरी का या गर्भाशय यानी कि यूट्रस का कैंसर। स्तनपान करने से हड्डियों में नया कैल्शियम जमता रहता है, इसीलिए बुढ़ापे में भी माँ की हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। इसके अलावा माँ का दूध पिलाने से जो पैसों की बचत होती है वो अलग, क्योंकि बाजार से दूध नहीं खरीदना पड़ता, फैरेक्स, सेरिलैक वगैरह नहीं खरीदना पड़ता, तो हजारों रुपए की बचत होती है। बाहर का दूध खरीदा तो उसे उबालने की मेहनत अलग, उस पर गैस या ईंधन का खर्च अलग, दूध की बोतल बार बार उबालना, साफ करना, वो मेहनत अलग, और फिर भी उसमें कीटाणु या जर्म्स रह जाते हैं, सो इन्फेक्शन का डर रहता है। इससे तो अच्छा है कि माँ का ही दूध पिलाएं, जिससे किसी इन्फेक्शन, किसी बीमारी का डर नहीं।